कहीं से भी ज्वाइन करेंगी ना, तो इनके बीच में ये जो चीज होती है ना, ये चीज हमारी होती है एंगल। मतलब हम लोगों से पूछा जाएगा कि जो दो लाइंस मिली हुई हैं, ये किस एंगल पे मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये जो बीच का ये ना हमारा एंगल होता है, ठीक है। और ये इस एंगल का नाम क्या होता है, इस एंगल का नाम होता है पी ओ क्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर हम इसको सिर्फ एंगल ओ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमारा एंगल ओ बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, एंगल ओ। तो हम लोगों का ये जो ऐसे करके बन रहा है, ये है हमारा पी ओ क्यू, है ना, पी ओ क्यू बन रहा है। और ये जो बीच में होता है, ये बीच वाला ही तो हमारा एंगल होता है। तो ये हम लोगों ने एंगल समझ लिया। अब हमें और कुछ टर्म्स भी इसमें समझने हैं, ठीक है। द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटर्न इन मिडिल लेटर। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं हमारे कोने। तो ये वाला हो गया, ये हमारा वर्टेक्स होता है, तो ये कैपिटल में हमारा लिखा जाएगा। अब ये देखिए, एक इंटीरियर आता है और एक आता है एक्सटीरियर। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए जरा ऑफ हो गया। तो ये देखिए ऐसे करके, ये आपका एंगल है पी ओ क्यू, सपोज करिए, ठीक है, ओ पी क्यू ये है। इसके जो अंदर होगा ना, अंदर अंदर यहाँ पर ये सारा का सारा जो इसका पार्ट होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज होती है उसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ चीज होती है ना, उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। जो इस इन दो लाइंस के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में जो भी होगा वो हमारा इंटीरियर होगा, और इनके जो बाहर जितना भी पार्ट आएगा वो हमारा एक्सटीरियर आएगा। मतलब इन दो लाइंस के बीच में जो होगा वो इंटीरियर, और इसके बाहर मतलब कुछ भी जो होगा, जैसे ये है, ये एंगल है, इसके बाहर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जैसे कि ये पी ओ क्यू है, इसके बाहर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो जो ए बी सी डी ये सारे के सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स है। एक्सटीरियर पॉइंट कौन से, ए हो गया, बी सी डी, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये इस एंगल के बाहर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड है, तो जेड जो है ना वो इंटीरियर पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि वो इस पूरे एंगल के अंदर आ रहा है। तो जेड क्या है, जेड हमारा इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली चीज ही हमें इस चैप्टर में देखनी, इस वाली एक्सरसाइज के लिए देखनी थी। अब हम समझते हैं, देखिए क्या है, नेम द एंगल्स इन द फिगर। अब ये जो फिगर है ना, ये वाली जो फिगर है ना, इस वाली फिगर में हम लोगों को क्या बताने हैं, इस फिगर में हमें इनके नेम बताने हैं, ठीक है। अब इनके नेम क्या क्या है ये हम लोगों को बताने हैं। तो जितने भी कोने होंगे ना, उतने ही हमारे एंगल्स के नेम बनेंगे। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं, चार एंगल बनेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 फोर कोने हैं, तो यानी कि फोर एंगल। एक हो सकता है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, या फिर एंगल ए को आप और क्या लिख सकते हैं, एक तो आप एंगल ए लिख सकते हैं, दूसरी चीज एंगल ए का दूसरा नाम आप क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे एंगल ए, बीच में एंगल ए, ठीक है। और एंगल ए के दोनों तरफ, इस कोने पे और इस कोने पे जो भी होगा ना, आगे इधर इधर था तो डी, तो इधर था बी, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगल ए को हम लोग क्या और दूसरा नाम बोल सकते हैं, डी ए बी, डी ए बी भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए जो है ना, ए वाला एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा बीच में होना चाहिए। तो एंगल ए को हम लोग या तो सिर्फ एंगल ए ऐसे करके, ये वाला जो साइन होता है ना, ये एंगल का साइन होता है, या तो आप इसको एंगल ए लिख सकते हो, या फिर इसको एंगल डी ए बी। मतलब एंगल ए अगर आपसे पूछे ना, तो एंगल ए को तो आपको बीच में रखना है, इसके इधर इधर जो भी है तो एंगल डी ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड एंगल कौन सा ले लेते हैं, सेकेंड सी ले लेते हैं, चलिए चलो, तो एंगल सी हो गया, या फिर आप एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं, सी के इस कोने पे क्या आ रहा है, डी, ठीक है, सी डी, है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा एक, या तो एंगल सी हो गया, एंगल सी, या फिर एंगल सी को और क्या लिख सकते हैं, डी सी बी, ये लिख सकते हैं। थर्ड हमारा बनता है एंगल बी, ठीक है, वो इरेज हो गया, कोई बात नहीं, दो तो आपने देख लिया ना, दोबारा से लिख के बता देंगे, एंगल बी हो गया ना, एंगल बी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी के इधर और इधर क्या कर रहे हैं, एंगल बी सी, और सॉरी एंगल बी लिखना है ना, तो एंगल बी के लिए आप लोग लिखेंगे, बी को बीच में लिखा जाता है एंगल सी और ए, तो एंगल सी ए बी। तो बीच जो एंगल आपको लिखना है ना, जैसे बी लिखना है, तो बी को बीच में लिखिए, उसके एक तरफ ये, एक तरफ ये, हमने ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का लिख लिया, अब डी का देखते हैं। तो डी होगा, एंगल डी लिखेंगे, या फिर आप इसे लिखोगे
एंगल, ठीक है, डी बीच में लिख लो, दोनों कोनों पे क्या आ रहा है, एक कोने पे सी आ रहा है और एक कोने पे क्या आ रहा है ए, तो ये आ जाएगा एंगल डी को क्या क्या लिख सकते हो, एंगल सी डी ए ये लिख सकते हो। तो चार एंगल हम लोगों ने देख लिए, चार एंगल मैंने आपको क्या क्या बताया, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फिगर है ऐसे करके, ठीक है, ये हमारी फिगर बन रही है, इधर है ए, इधर है बी, इधर है सी और इधर है डी। तो एक एंगल हमारा क्या बनेगा, अगर हम एंगल ए लिखे तो एक तो एंगल ए हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा एंगल बी, तीसरा क्या हो जाएगा एंगल सी, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा एंगल डी। और अगर आपसे टीचर कहे कि भाई फुल फॉर्म में लिखना है तो फुल फॉर्म में आप लोग क्या लिखेंगे, ये वाली चीज अभी बताते हैं, और लगा लेते हैं पहले सब में फिर बताते हैं। एंगल ए के फुल फॉर्म क्या होगी, एंगल ए के दोनों तरफ जो जो आ रहे हैं, तो एंगल ए को आप लिखिए, ए लिखिए बीच में और दोनों तरफ क्या आ रहे हैं डी और बी, डी और बी, मतलब आप या तो बी पहले लिख लीजिए डी पहले लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया एंगल ए के इधर इधर जो भी है, तो ये इसी चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, है ना, चाहे बी आगे लिख लो डी आगे लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एंगल ए है ना तो ए बीच में आना चाहिए, एंगल बी बीच में लिख लो, एंगल बी के क्या क्या है कोने पे, एक कोने पे ए है एक कोने पे सी है, ए और सी लिख दिया, सी बीच में लिख लो एंगल सी के लिए, सी के एक कोने कोने क्या है बी और डी है, तो बी और डी लिख दो, एंगल डी के कोने कोने क्या है, एंगल डी के कोने कोने है सी और ए और सी, तो ए और सी लिख दो, मतलब जो एंगल लिखना होता है ना वो वाला बीच में लिखो और उसके साइड साइड में जो है वो ऐसे करके लिख दो, बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का ये आंसर हो गया, 7 मिनट हो गए देखिए क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, ये वाला बहुत सिंपल है, वो मैंने समझाया था ना आपको, आपको बताना है इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई के अंदर कौन से एंगल है, ये देखिए डी ओ ई ढूंढते हैं पहले, ये डी ओ ई है ना, डी ओ ई के अंदर कौन कौन से एंगल है, अंदर का मतलब होता है अंदर, बिल्कुल अंदर, ये डी बी बी और ई कहाँ पे है, बी और ई भी तो लाइन पे है, बट इसके अंदर, इनके अंदर कौन सा आ रहा है, इनके अंदर तो एक ही दिख रहा है भैया हमें, कौन सा दिख रहा है बताइए जल्दी से सोचिए माइंड में अपने, ए है ना, तो ए जो है ए इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए आ रहा है ना। एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, तो ई ओ एफ के एक्सटीरियर में कौन सा आ रहा है, ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर मतलब इनके बाहर कौन सा पॉइंट है, तो देखिए इनके बाहर क्या है सी है ना। अब हमारा ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पर, अब ई ओ एफ, ई ओ एफ कहाँ है ये देखिए, ई ओ ई ये रहा ई ओ एफ, ठीक है, ई ओ एफ पर ये देखिए बी आ रहा है बी, तो इसका आंसर हो गया बी, ऑन ई ओ एफ है बी। अब पूरा इतना देख लिया, अब देखते हैं दोबारा से, तो इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई क्या है, ये है ना डी ओ ई, इसके अंदर क्या है ए, तो इसका आंसर ए। एक्सटीरियर ऑफ, इंटीरियर का मतलब अंदर होता है और एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, तो एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ इनके ये देखिए इसके एक्सटीरियर में क्या है, ये रहा सी, और ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ है ना, इसके ऑन क्या है, इसके ऊपर क्या है, ऑन का मतलब उसके ऊपर, जैसे कि ई ओ एफ है, ई है ओ है और एफ है, इस पर हमारा बी पॉइंट बना हुआ दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोगों को बोला गया है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, हमें दो एंगल्स के डायग्राम बनाने हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, तो ए वाले का आंसर हो जाएगा एक कॉमन पॉइंट, जो हमारा थर्ड का क्वेश्चन नंबर ए है ना, थर्ड का ए पार्ट है, उसमें आपसे बोला गया है क्वेश्चन में ऑन वन, ठीक है, वन कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, उसकी फिगर आपको बनानी है, तो एक पॉइंट कॉमन बनाना है, तो ऐसे करके फिगर बन जाएगी, देखिए ऐसे करके, है ना, क्योंकि इसमें इस फिगर में कौन सा पॉइंट कॉमन आ जाएगा, ओ यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ए बी और सी लिख दीजिए, तो एक पॉइंट कॉमन कौन सा आ गया, ओ पॉइंट कॉमन आ गया, तो ए जो क्वेश्चन है उसकी फिगर ऐसे बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब ये एक एंगल ये है ऐसे करके और एक एंगल ये है, तो इनका हमारे दो एंगल हो गए, अब इन दो एंगल का कॉमन पॉइंट हमारा कौन सा बन गया, ये वाला पॉइंट हमारा इनका, देखिए ऐसे करके बनाना,
तो हमारा कॉमन पॉइंट कौन सा आ गया, ये ओ इसका इसका कॉमन पॉइंट बन जाता है। तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट में हमसे बोला जा रहा है टू पॉइंट्स इन कॉमन। क्वेश्चन है बी पार्ट का टू पॉइंट इन कॉमन, मतलब दो पॉइंट्स जो है वो हमारे कॉमन होने चाहिए। तो बी पार्ट में दो पॉइंट आपको कॉमन बनाने हैं, तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे करके देखिए, ऐसे करेंगे ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो आपको दो पॉइंट कॉमन। ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये ऐसे भी जा रही है और यही लाइन जो है ये आगे जा रही है, तो आपको दो पॉइंट कॉमन बनाने हैं ना। तो देखिए ऐसे ओ मान लीजिए, इसको यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ क्यू मान लीजिए, सपोज करिए एस मान लीजिए, और यहाँ पर ए मान लीजिए ठीक है, ऐसे करके। तो आपको दो पॉइंट कॉमन बनाने हैं, तो एक तो एंगल ये बन रहा है ठीक है, और एक यहाँ से ही इसी लाइन से ये वाला बन रहा है। तो आप लोगों के दो पॉइंट कॉमन कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जरा, ब्लू ले लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं, अपना फेवरेट कलर तो ओ वाला पॉइंट कॉमन हो गया और पी वाला पॉइंट कॉमन हो गया। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने एंगल बनाया था ना, एक ये ऐसे करके बनाया था, चाहिए आगे मत बढ़ाइए, और एक ऐसे करके, ऐसे आप टेढ़ा जेड बनाइए, तो इसमें एक एंगल ये वाला है ना, देखिए ये एंगल बन गया, और आपने इसी लाइन को कॉमन मान करके एक और बना लिया। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो ये ओ हो जाएगा और एक ये पी हो जाएगा, है ना। तो दो कॉमन पॉइंट हो गए, देखिए एस ओ है ना, ये वाला एक SOP और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे Q मान लीजिए, QPO। तो हमें सेकंड क्वेश्चन का हमारा डायग्राम ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके, तो OP M और N बना मान लीजिए यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इस वाले में कॉमन हो जाएंगे, तो O P R कॉमन ठीक है। और सी वाला थ्री पॉइंट इन कॉमन, तीन पॉइंट जो कॉमन है वो पॉसिबल नहीं है, तीन वाले हम कॉमन पॉइंट नहीं बना सकते, तो सी का आंसर है नॉट पॉसिबल ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं तीन पॉइंट कॉमन बनाने। फोर पॉइंट इन कॉमन ठीक है, फोर पॉइंट भी हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग टू पॉइंट कॉमन बना सकते हैं, वन बना सकते हैं, थ्री फोर या इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हम लोग दो फिगर्स में नहीं बना सकते, तो हमारे डी का आंसर भी आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वन रे इन कॉमन, वन रे इन कॉमन तो बहुत आसान है, देखिए ऐसे बना लीजिए और ये देखिए ये कॉमन बन गई, ए ओ बी नाम दे दीजिए इसको और इसको डी दे दीजिए, तो ये देखिए ये जो ओ डी हो गई ना, ये वाली रे कॉमन हो गई, या फिर देखिए यहाँ पर ऐसे करके आप फिगर बनाएंगे ए बी सी सपोज करिए, और ऐसे करके आपने ये बीच में से रे निकाल दी। रे क्या होती है कि एक तरफ से तो पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से एरो, ये हम लोगों ने बेसिक्स वाले वीडियो में देखा था। तो हमारा बन गया वन रे इन कॉमन वाला, ये कौन सा था हमारा ई, तो हमारा कॉमन क्या है, इसको डी नाम ले लीजिए, बी डी रे ठीक है, बी डी रे जो है वो कॉमन हो गई ठीक है, वो कॉमन किस किस में हो गई, ए ओ डी में और डी बी सी में, मतलब हमारी ये वाली कॉमन रे बन जाती है, तो बी डी रे इज कॉमन। ऐसे करके हम लोगों का ई वाला पार्ट इसका हो जाता है। तो हम लोगों के सारे पार्ट्स हो गए इस एक्सरसाइज के ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है।